ठीक है, तो देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैसे? देखो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया है, एक क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन आ गया, 0 to π/4 साइन रेस टू पावर 4 2x dx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी अपने को क्या लगाना है, इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को वाली थ्योरम लगाना है, बट देखो लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 to π/2, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? 2x = t कर देते हैं। तो यहाँ पे dx = कितना आ जाएगा, dt/2, एक्स का 1 2 यहाँ आएगा, 2 डिवाइड कर दिया मैंने। इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो ये हो गया साइन 2 to π/4, ये हो गया t, और ये dx है, इसके प्लेस पे dt/2, तो ये तो हो गया dt, और ये हो गया 1/2 डिश। ठीक है, अब अपने को मेन तो लिमिट सेम करना है, 0 to π/2 लिमिट करना है, तो 0 to π/2 लिमिट कर देते, यहाँ रखो 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ π/4 रखोगे तो π/2 हो जाएगा। तो देखो लिमिट आ गई है, बस अब लगा दो फार्मूला, वाले इस फार्मूला ऐसे क्या होता फार्मूला, पावर कितनी है, पावर है 4, इसका मतलब इसमें है ना π/2 का मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा, यह ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब देखो अंदर क्या होगा, n-1, n-1, n-3, n-1, 4-1 मतलब 3, और 4-3 मतलब 1। नीचे क्या होगा, n n-2 n मतलब 4 और ये 2, बस अब सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4 2 8, और ये 4 मतलब कितना हो गया 32, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 3/32, बस।